कई दादा लोग तो हम जा रहे हैं आज अपना बैंक अकाउंट खुलवाने, और इसके लिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे मैप कि हमने जाना कहाँ है। और ये मैप है 2GIS के नाम से, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे मॉस्को में। और इस मैप के अंदर सारी बसेस के रूट भी हैं और मेट्रो के भी हैं, और बाय वॉक अगर आप जाना चाहें तो उसका भी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें जनाब अपनी मैसेज, वॉइस मैसेज से बताना है सीबीआर बैंक। कुछ और इसने कैलकुलेट कर लिया। सीबीआर बैंक जनाब, तो ये हमें दिखा रहा है हमारे आसपास जितने भी सीबीआर बैंक्स इस वक्त हैं। ये सबसे बड़ा मॉस्को का बैंक है सीबीआर बैंक, और मैं इसी में अपना अकाउंट खुलवाने लगा हूँ। और सबसे ऊपर जो आ रहा होता है हमारे करीब तरीन वही होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 600 मीटर्स का सफ़र है, जो कि हम क्लिक करेंगे तो बताएगा 13 मिनट्स के अंदर हम पहुंच सकते हैं इसमें बाय वॉक। तो ये हम हैं जनाब यहाँ पर, जहाँ पे एरो है, ये हमारा शहर है, और ये हम जा रहे हैं अपना बैंक अकाउंट खुलवाने। तो लेट्स गो गाइस। सो हियर वी आर एट द गेट ऑफ आवर होस्टल, और बर्फ़ आज पड़ी है सुबह काफ़ी, और चारों तरफ से बर्फ़ से कवर्ड है एरिया। आप देख सकते हैं ये मेरे हॉस्टल का गेट है पीछे, ये हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग है जनाब। क्लासिक सा व्यू है बिल्डिंग का, चारों तरफ हॉस्टल्स ही हैं ऑलमोस्ट। ये कहलाता है स्टूडेंचिस्कोई गोरतक, यानी कि स्टूडेंट सिटी। सो ये गपकिन के ज़्यादातर हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, और हमारी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं बाहर। आप देख सकते हैं सम गर्ल्स अराउंड, और हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ रही है। और हमारा जो प्लान है आज का वो है बैंक अकाउंट खुलवाना, जो कि बड़ा ज़रूरी है। इट्स माई फोर्थ डे हियर और अभी तक बैंक अकाउंट नहीं खुल सका क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो गाइज लेट्स गो एंड ओपन द बैंक अकाउंट। और अब हम मूव कर रहे हैं जहाँ से हमें बाहर जाना है, और बाय वॉक ही है ये बैंक अकाउंट का डिस्टेंस, बैंक का डिस्टेंस सीबीआर बैंक का। और उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है मेरा पासपोर्ट ओनली, और मेरा इमिग्रेशन कार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताते हैं सीन मेरे साथ कुछ ऐसा है दादा लोग, के मैं चीज़ें बहुत घुमाता हूँ, सही है, हमेशा से। और घर वाले भी बस यही बोलते हैं कि तू जो है ना चीज़ें बहुत घुमाता है भाई, तो किसी दिन खुद ना घूम जाना। तो लेकिन अब यह है कि अब कहते हैं कि खुद घूम जा, लेकिन ये इमिग्रेशन कार्ड और पासपोर्ट नहीं घुमाना। तो एक और भी स्टोरी याद आ गई मुझे कामरान की, दादा कामी की। जब हम थाईलैंड गए थे तो वो अपना पासपोर्ट भूल गया था आखिरी दिन, जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे। तो कभी सुनाएंगे आपको वो स्टोरी भी, लेकिन फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं बैंक अकाउंट खुलवाने। और पीछे ये बड़ा क्लासिक सा ग्रफिति हुई भी है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि ये कोई लव का मैसेज है। इट्स ऑल अबाउट लव, थ्री हार्ट्स देयर। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, ये सीढ़ियाँ आती हैं हमारे हॉस्टल की ऊपर जाने के लिए। ये पीछे एक हमारे शॉप है जो कि हमारे बिल्कुल हॉस्टल के गेट के थोड़ा सा बाहर है, इट्स कॉल्ड वकूस वोस्तोका। तो इट्स कॉल्ड यूरोपियन टेस्ट आई गेस, या वेस्टर्न टेस्ट और यूरोपियन टेस्ट। ये हलाल फूड है और बड़ा अमेजिंग इनका शावरमा है। फर्स्ट डे मैंने ट्राई किया था, 150 रूबल्स कॉस्ट है उसकी, विच अराउंड पाकिस्तानी 350 रुपीज़। और पिज़्ज़ा भी देते हैं 90 रूबल्स का, तो किसी दिन आपको पिज़्ज़ा जब खाएंगे तो उसका भी वीलॉग दिखाएंगे। बाकी ये मेन रोड हमारे बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे हॉस्टल के, और ये डबल हैरी डबल डेकर बस जा रही है। आई थिंक इट्स अ टूरिस्ट बस, जिसमें आप साइट सीइंग करेंगे और आप अपना पूरा मॉस्को का विजिट करेंगे। तो समडे विल गेट दैट टू, विल टेक दैट बस टू। और ये पीछे लोग स्टॉप के ऊपर खड़े हुए वेट कर रहे हैं रोड खुलने का और क्रॉस करने का। आज अमेजिंग सर्दी है, -6 चल रहा है, और हल्की हल्की बर्फ़ अभी भी पड़ रही है। लेट्स गो गाइस, आई विल कवर माई फेस विद मास्क एंड विल गो टू द बैंक। See you guys later.
हाँ जी, तो दादा लोग एट लास्ट हम मार्केट के करीब आ गए हैं। पीछे मेरे मार्केट है और उधर भी मार्केट है, तो आई थिंक मुझे जाना है उस साइड पे, पीछे वाली साइड पे। तो वहीं पे मेरा बैंक है और आई थिंक अब बैंक बहुत करीब है, मैप भी बता रहा है। तो अब हम अपने मंजिल मकसूद की तरफ पहुंच चुके हैं और आज अमेजिंग वेदर है भाई, बहुत अमेजिंग वेदर है। बर्फ़ मेरे जैकेट के ऊपर भी नज़र आ रही होगी आपको, अभी भी फ्लेक्स पड़ रहे हैं। Route recalculated. Continue for 600 meters. और लोग जो है, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। आई कैन सी लोगों को इतनी परवाह नहीं है बर्फ़ की, हर कोई अपना काम कर रहा है। पीछे ये मार्केट एक और बड़ी है, उसको भी मैं विज़िट करूँगा वापसी पे, क्योंकि अभी तक मैं बड़ी मार्केट्स में नहीं आया। अभी तक अपने घर के पास ही, हॉस्टल के पास अताक एक मार्केट है, हम वहाँ पे जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम भी है। टर्न राइट, फ्राइडे नाइट है, तो आज फ्राइडे को हम इंजॉय करेंगे, सही है। और ये हम आ गए हैं सिग्नल पे और हमें ये रोड क्रॉस करना है। जब हमारा वो जो बत्ती है वो ग्रीन होगी और हो गई है तो हम चल पड़ेंगे। गाड़ियाँ रुक जाती हैं भाई आपके लिए, देखो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सलूट करती हैं हमें, ऑडी, हुंडई, किया, सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। इन चाचा को बहुत सर्दी लग रही है भाई, ये भाग गए चाचा, सर्दी लग रही थी इनको। और हम अब अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामजन हैं। और इस वक्त मैं अपनी At traffic light, keep right, then turn left. अगर वो लोग होते मेरे साथ तो बहुत मज़ा आता, बट इट्स फाइन, सोलो ट्रैवलिंग का अपना मज़ा है। आई वांट टू बी अ सोलो ट्रैवलर, I wanna look, explore the world, I wanna see everything. और अभी आ गया है जनाब मैगज़ीन, यानी कि मार्केट, और मैं देखूँ ज़रा अपना कि मेरा एग्जैक्ट बैंक किस साइड पे है। हाँ जी, तो हमने अपना अकाउंट खुलवा लिया है सीबीआर बैंक में, और ये यहाँ का सबसे बड़ा बैंक है रशिया का आई गेस, और हर जगह पे इसकी ब्रांचेस हैं, ऑलमोस्ट हर स्टॉप पे, हर मेट्रो पे करीब करीब ATMs तो बहुत ज़्यादा हैं और बैंक आपको कहीं कहीं मिलेंगे। पहले मैं कंफ्यूज हो गया था, जहाँ मैं पहुँचा था पहले वो था ATM मशीन, तो मुझे मतलब कि पता ही नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ ATM होगा। फिर वहाँ से मैंने पता किया, फिर मैं एक और बैंक गया और वहाँ पे जाके थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी कि मुझे लगा कि मीर कार्ड बनवाना है, तो मैंने मीर कार्ड बताया उनको, लेकिन उसने कहा कि आपके 2000 रूबल लगेंगे अगर आपको कार्ड चाहिए अभी, और मीर कार्ड जो है वो स्टूडेंट कार्ड पे ही बन सकता है। तो फिर मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं तो पैसे नहीं दे रहा, मेरे दोस्तों ने फ्री कार्ड बनाया है तो मैं क्यों पैसे दूँ। तो मैंने दोस्त को अपने कॉल की, मैंने कहा कि भाई क्या सीन है, ये मुझे कह रही है कि 2000 रूबल लगेंगे कार्ड के लिए। तो उसने कहा कि नहीं, आप इसको छोड़ दें, आप दूसरे बैंक आ जाएँ। फिर मैं एक और बैंक गया, इसी ब्रांच में अब आया मैं, और ऑलमोस्ट ये 2 घंटे की पूरी कहानी है। उस दौरान मैं फिर इधर आया और अब मैंने यहाँ पे आके अपना अकाउंट खुलवाया। इनको मैंने ये बताया कि मुझे मोमेंटी कार्ड चाहिए, वहाँ पे मैंने कहा था मीर कार्ड चाहिए, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई मुझे भी, अभी चीज़ों का नहीं पता इतना, तो ऑब्वियसली ये सीखने सीखने में, समझने में टाइम लगता है। लेकिन यही है कि सारे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ ऑन बोर्ड, जो कुछ मतलब कि किसी और शहर में है और कुछ यहाँ पे हैं, तो उनसे मैं रबते में रहता हूँ और पूछता रहता हूँ कि क्या करना है। तो इसी तरह आप भी जो है अगर कहीं जाएं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से या कोई वहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, और इट्स हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई आई थिंक शर्म नहीं है। और इस तरह से हमारा ये व्लॉग ख़त्म होता है आज का, हमारा मिशन अकाउंट पूरा हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ फिर आएंगे। टिल देन टाडा फ्रॉम माय साइड दसविदानिया, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, to stay tuned and to just watch my life in Moscow. Karachi ka londa is in Moscow.